to my channel Pray for Life. Today I am going to make an authentic dish that is Indo-Chinese recipe and it is very crispy. It is called Gobi Manchurian recipe and here are the ingredients. इसके लिए मैंने कॉलीफ्लावर लिया है, बिल्कुल कॉलीफ्लावर फ्रेश होना चाहिए और आप ये इस मीडियम साइज में इसको काट लें। इसके साथ एक बड़ा सा कैप्सिकम मैंने ऐसे स्लाइस काट लिया है, उसके साथ टू अनियन को मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है थोड़े मोटे मोटे पीसेस में, और इसके साथ हमें टू ग्रीन चिल्ली, बहुत सारा गार्लिक और जिंजर चाहिए, ये भी मैंने स्लाइस कर लिया है, और इसके साथ हमें तीनों सॉस चाहिए होता है, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस एंड सोया सॉस, और इसके साथ मैंने विनेगर भी लिया है। और मैं बहुत क्विक एंड इजी तरीके से आपको बहुत क्रिस्पी चिल्ली गोभी बना के दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा लिया हुआ है, उसके साथ थोड़ा सा सेसमे सीड्स। इसके साथ ही मैं बहुत ईजी तरीके से एंड क्विक तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। अब इस गोभी को मैं कोट करके दिखाऊंगी। बहुत लोग इसको बॉईल करते हैं बट मैं बॉईल नहीं करती, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी भी ट्राई करें, इतने लॉन्ग प्रोसेस में जाने की क्या ज़रूरत है जब ये क्विकली बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। मैंने इस कॉलीफ्लावर को इस बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। गोभी को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके साथ मैं इतनी गोभी के लिए 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करूंगी। बहुत लोग कॉर्नफ्लावर भी यूज करते हैं बट मैं बेसन और मैदा दोनों ऐड करती हूँ। इसके साथ ही 2 बिग टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं डालना। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से कोट कर लिया है, बस 2 टेबल स्पून वाटर के साथ मैंने कोट कर लिया है। मैंने कोई स्लरी नहीं बनाया है इसके लिए, ये ऐसे ही बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाता है, तो मैंने कोई भी स्लरी नहीं बनाया है। मैंने बस इसमें थोड़े से बेसिक मसाले के साथ कोट कर लिया है। अब मैंने ऑयल को हीट कर लिया है, अब इसको मैं फ्राई करूंगी। कर दिया है, इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल हीट कर दिया है, थोड़ा सा फ्लेम को कम कर लें, और इसके साथ सबसे पहले मैं ये अनियन ऐड कर दूंगी। ये सारे जो वेजिस हैं इसको ओवर कुक नहीं करना है, ये थोड़ा सा क्रंची रहता है तभी ये अच्छा भी लगता है इसका फ्लेवर। इसके साथ में ये शिमला मिर्च भी डाल दूंगी और ये 2 ग्रीन चिली काट के रखा है, इसके साथ में ये अदरक और लहसुन सारा मैं एक साथ ऐड करने वाली हूँ। इसको 70% तक फ्राई करना। ये देखिए मैंने बस इसको इतना शैलो फ्राई किया है क्योंकि इसका क्रंचीनेस मेंटेन करना बहुत मस्त होता है, ये ओवर कुक हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। ये देखिए बस इतना ही कुक करना है। इसके साथ मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया था बस इसको अच्छे से कुक करने के लिए, क्योंकि सारे सॉसेस में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है, तो बस 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था मैंने। अब मैं इसमें ये सॉस ऐड करूंगी। एक कॉलीफ्लावर के हिसाब से मैं 4 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड करूंगी, और उसके साथ ये ग्रीन चिली सॉस है मेरे पास, आप रेड भी यूज कर सकते हैं। ये बस 2 टेबल स्पून ऐड करूंगी, मेरे बच्चे से ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते। सोया सॉस ऐड करूंगी, थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूंगी, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। एंड लास्ट स्टेज पे मैंने जो उसको कोट किया था कॉलीफ्लावर को, उसका जो थोड़ा सा नीचे का पार्ट बचा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि इसका थिकनेस ज़्यादा हो जाए, और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 मिनट तक कुक करके आ जाती है। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट तक कुक कर लिया है, और इसका कलर यू कैन सी कितना यम्मी दिख रहा है।
बहुत डिलीशियस बन के तैयार होने वाला है ये। अब मुझे कुछ नहीं करना इस कॉलीफ्लावर को, बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप देख सकते हैं ये कॉलीफ्लावर अभी भी कितना क्रंची है, बस इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती। मैंने इसको कोरिएंडर लीफ और सेसमी सीड्स से डेकोरेट कर दिया है, आप देखिए। और ये जो सेसमी सीड्स है वो रोस्टेड वाला है, तो आप कच्चा यूज ना करें। एंड माय क्रिस्पी गोभी मंचूरियन इज ऑलमोस्ट रेडी, यू कैन सी द लुक एंड बिलीव मी इट्स सो यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।